ओम शांति। सभी बैठ जाएं, सभी सेवाधारी भी बैठ जाएं। शरीर से हम सेट हो जाते हैं, अब एक मिनट निकालकर मन को भी सेट कर लेते हैं, फोन को साइलेंट कर लेते हैं और फिर मन को भी साइलेंट कर लेते हैं। सीधा होकर बैठे, और अपने अटेंशन यहाँ लेकर आए, ध्यान को यहाँ केंद्रित करें, जहाँ हम बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, जिसे बुद्धि का तीसरा नेत्र कहा जाता है। ये मुझ आत्मा का रहने का स्थान है। सीधा होकर बैठे, एक मिनट के लिए टीवी की तरफ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक मिनट। ये एक छोटा सा अभ्यास है जिससे आत्मिक शक्ति बढ़ती है। यहाँ ब्रिकुटी के बीच देखिए एक छोटा सा चमकता हुआ सितारा, देखने का प्रयास कीजिए उसको। मैं इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, मैं आत्मा हूँ। इस मन की मालिक, मैं आत्मा हूँ। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। शांति मेरा संस्कार है। खुशी मेरा स्वभाव है। प्यार मेरा व्यक्तित्व है। सदा शांत, खुश, प्यार से भरपूर रहने वाली मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। इस संकल्प को दोहराएंगे मन में, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। परिस्थिति मेरे अनुकूल हो या न हो, लोगों का व्यवहार मेरे अनुसार हो या न हो, मैं सदा शांत, स्थिर, हमेशा खुश, ये मेरा संस्कार है। मैं आत्मा, परमात्मा का फरिश्ता हूँ। सबको सुख देने वाला, सबका कल्याण करने वाला, सबको सिर्फ और सिर्फ देने वाला मैं आत्मा, परमात्मा का फरिश्ता हूँ। पक्का कीजिए अपने आप के साथ ये, मैं आत्मा, परमात्मा का फरिश्ता हूँ। हमेशा लाइट, हल्का, खुद भी लाइट,
सबको भी लाइट रखते हुए मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सारा दिन में बहुत सारी बातें आती हैं, मन बहुत कुछ सोचता रहता है और कभी कभी मन इतना सोचता है, इतना सोचता है कि सोच सोच कर भी थक जाता है। किस किस को लगता है मेरा मन मेरे कंट्रोल में है? हाथ उठाओ, किस किस का मन उसके कंट्रोल में है? ऊपर, मेरा मन मेरे कंट्रोल में है। और मेरा मन मेरे कंट्रोल में है, इसका अर्थ ये है मैं जो सोचना चाहूँ, जब सोचना चाहूँ, जितना सोचना चाहूँ, सिर्फ उतनी ही सोच चलेगी, उसके अलावा कोई सोच नहीं चलेगी। हर सोच मेरे कंट्रोल में है। आजकल तो कभी कभी हमारा मुख भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता। कहते हैं ना, कहने का भाव नहीं था मेरे मुंह से बात क्या हो जाती है, मेरे मुंह से बात निकल गई। कभी कभी मुंह से बात निकल जाती है, कभी कभी तो हाथ भी उठ जाते हैं। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि मन मेरे कंट्रोल में नहीं चल रहा है। तो इसलिए आज हम थोड़ा सा अभ्यास करेंगे इसके ऊपर। मीडिया के कैमरा के पास सभी जो सेवाधारी खड़े हैं ना, इनको इशारा करना, साइलेंस हो जाओ, आपकी आवाज़ ना आसपास आती है, एकदम साइलेंट हो जाओ। अभी अभी जो हमने किया, कौन कौन ये फिर से कर सकता है घर जाकर? एक मिनट साइलेंट किया, बहुत सहज है। ये लगेगा कि ये बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन ये बहुत पावरफुल चीज़ है। जैसे हम कंप्यूटर पे बहुत देर सेवा करते हैं तो डॉक्टर क्या कहता है, हर आधे घंटे के बाद सिर्फ आंखों को थोड़ा सा ऐसे झपक लो, आंखें ठीक रहेंगी। हम सारा दिन एक जगह बैठकर काम करते रहते हैं, तो डॉक्टर क्या कहता है कि थोड़ी देर उठ के चल लो, हर आधे घंटे के बाद उठकर एक मिनट चल लो, शरीर ठीक रहेगा। इसी तरह हम सारा दिन बहुत सोचते रहते हैं, हर एक घंटे के बाद अगर हम एक मिनट रुककर ये एक्सरसाइज कर लें तो उसका प्रभाव हमारे अगले एक घंटे पर पड़ेगा, हमारे मन की गति धीमी होगी और मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमारा हर संकल्प सही होगा, हमारी हर सोच सही होगी। सिर्फ एक मिनट में मैं आत्मा और अपने आप को संकल्प देना, मैं शक्तिशाली आत्मा, मैं हमेशा शांत, मैं सदा खुश, सबको देने वाली आत्मा, फिर वापस आ जाएं उसे एक घंटे के अंदर। जब हम बार बार ये अभ्यास करेंगे तो हमें याद रहेगा कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो ये है, याद रखना कि मैं आत्मा हूँ। किस किस को सारा दिन याद रहता है मैं आत्मा हूँ? किस किस को पता है मैं आत्मा हूँ? देखा, दोनों बातों में फ़र्क। मुझे पता है मैं आत्मा हूँ, लेकिन सारा दिन में हम अपने आप को क्या समझते हैं, मैं कौन हूँ, कौन हूँ मैं ये शरीर हूँ,
मैं ये नाम हो, मैं ये औधा हो, मैं ये रिश्ता हो, मैं ये पढ़ाई हो, मैं ये धर्म हो, मैं ये जाति हो, सब कुछ को मैं कहते हैं। वो सब कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो मैं नहीं है। वो क्या है? वो मेरा है। अभी अगर आपके हाथ पर चोट लग जाए तो आप क्या कहेंगे? मैं हाथ पर चोट लगी या मेरे हाथ पर चोट लगी? क्या बोलेंगे? बोलिए ये ताकि याद रहेगा। क्या बोलेंगे? मेरे हाथ पर चोट लगी। लेकिन सुबह सुबह जब शीशे के अंदर देखते हैं, शीशे की तरफ देखते हैं, तो हम कहते हैं मैं आज कैसा दिख रहा हूँ, हाउ एम आई लुकिंग टुडे, और अपने इसको देखते हैं। और फिर सारा दिन में क्या कहते हैं? मेरा सर दर्द हो रहा है, मेरे पाँव में मोच आ गई, मेरा हाथ कट गया, मेरा तो आज पूरा शरीर दुख रहा है। मेरा ये शरीर मेरा है या मैं है? नाम मेरा है या मैं है? रिश्ता मेरा है या मैं है? ऐसा लगता है दोनों में कोई बहुत फर्क तो नहीं है, एक ही बात है, मैं है या मेरा है, लेकिन वो एक ही बात नहीं है। वो ही जीवन जीने का तरीका बदल जाता है। तो आज का पहला होमवर्क, आज बहुत सारे होमवर्क करने हैं, पहला होमवर्क हर रोज़ अपने आप को याद दिलाना कि मैं कौन हूँ। दिलाएंगे याद अपने आप को कि मैं कौन हूँ? रेडी हैं करने के लिए? हाँ, जो भाई बहने आगे आगे बैठे हैं उनको स्क्रीन देखने की ज़रूरत नहीं है, हम एक दूसरे को सामने से देख सकते हैं। ये भी एक संस्कार है जो हमें पड़ गया है, एक दूसरे के नज़दीक बैठते हैं और स्क्रीन से एक दूसरे से बात करते हैं, है ना? हाँ, घर में भी एक दूसरे को फ़ोन कर लेते हैं, कमरे से दूसरे कमरे में। जैसे जैसे हम अपने संस्कारों को इतना बदलते गए, तो जो हमारे निज संस्कार थे वो छुप गए, और जो छुप गया वो इतना छुप गया कि हम उसको फिर ढूंढने लगे बाहर, मांगने लगे लोगों से। ये कपड़ा वाइट है, सफ़ेद है, रोज़ धुलेगा तो सफ़ेद रहेगा। अगर इसको एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, दो साल, दस साल इसको नहीं धोया तो कुछ बदल जाएगा? बदलेगा? नहीं बदलेगा। क्या हो जाएगा इसको? क्या हो जाएगा? इस पे दाग लगेंगे, इस पे धूल आएगी, इस पे मिट्टी आएगी, और धीरे धीरे तो ये इतना बदल जाएगा कि मुझे याद नहीं रहेगा कि ये सफ़ेद था, और फिर मैं कहूँगी मुझे सफ़ेद चाहिए। आज हम सब यहाँ इसलिए आए हैं, हम कह रहे हैं मुझे खुशी चाहिए। बहुत साक्षी होकर अपने आप से पूछिए, खुशी चाहिए या खुशी मेरा संस्कार है? कौन सी बात सच है, चाहिए या वो मेरा संस्कार है? कौन सी बात सच है? किस किस को खुशी चाहिए? किसी को भी नहीं चाहिए। आप गलत टाइटल पढ़ के ऐसे ही आ गए प्रोग्राम में, चाहिए तो आपको है नहीं, आपके पास ऑलरेडी है। यू नो, कभी कभी कोई एक बोलता है, दूसरा भी बोलता है, और बहुत जल्दी हम सब बोलने लग जाते हैं खुशी चाहिए, खुशी चाहिए, खुशी चाहिए, खुशी चाहिए। और खुशी चाहिए के लिए क्या क्या करते हैं? सामान खरीदते हैं, सोचते हैं ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा तो खुशी आ जाएगी। हमारे घर में आज सारे सामान आ गए, लेकिन खुशी दिन ब दिन बढ़ने की जगह क्या होती जा रही है? किस किस को लग रहा है खुशी दिन ब दिन बढ़ने की जगह वही है या थोड़ी घट ही रही है? और घट रही है मतलब तनाव बढ़ता जा रहा है, टेंशन बढ़ती जा रही है, चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। तो एक मिनट में मेरे पास या तो खुशी हो सकती है या टेंशन हो सकती है, दोनों नहीं हो सकते। तो हमें खुशी चाहिए नहीं, खुशी मेरा संस्कार है
लेकिन चिंता जब करते हैं, टेंशन जब करते हैं, परेशान जब होते हैं, तनाव जब होता है, तो मुझे मेरी खुशी अनुभव नहीं होती है। और फिर हम उसी खुशी को, जो हमारा संस्कार है, हम बाहर ढूंढने जाते हैं। हम सबके पास फ़ोन है, सबके पास फ़ोन है, क्या ये फ़ोन आपको खुशी देता है? किस किस का फ़ोन उनको खुशी देता है? हाथ उठाओ। किसी का भी नहीं फ़ोन खुशी देता। जिस दिन खरीदा था ना, और जिस दिन पहली बार, 25 साल पहले जिस दिन पहली बार मार्केट आया था ये फ़ोन, तो लोग कहते थे ये तो बहुत खुशी देगा हमारे को ये फ़ोन। और आज वही लोग कहते हैं ये फ़ोन तो टेंशन का कारण बन चुका है। और वास्तविकता क्या है? ना फ़ोन खुशी दे सकता है, ना फ़ोन टेंशन दे सकता है। फ़ोन तो सिर्फ एक दूसरे से बात करने का साधन है। हम चीज़ें खरीदते जाते हैं, खरीदते जाते हैं, ये सोच कर के इससे खुशी आएगी, इससे खुशी आएगी, इससे खुशी आएगी। अगर उससे खुशी आती तो जिसके घर जितने ज़्यादा साधन होते उसके घर खुशी भी उतनी ही ज़्यादा होती। ऐसा तो नहीं होता है। मेरा सोफ़ा देखो कितना बड़ा है, आपकी तो कुर्सी छोटी सी है, तो मैं आपसे ज़्यादा खुश? मैं आपसे ज़्यादा खुश? यस और नो? मैं आपसे ज़्यादा खुश? वो इतना बड़ा सोफ़ा है, देखो महंगा भी बहुत होगा, मैं आपसे ज़्यादा खुश? बताओ, मैं आपसे ज़्यादा खुश? मैं आपसे ज़्यादा खुश? सोफ़ा इतना बड़ा है, मैं आपसे ज़्यादा आराम से बैठी हूँ, सोफ़ा बड़ा है। लेकिन हम एक दूसरे को देखते हैं कि उनके घर ये भी आ गया, उनके घर वो भी आ गया, उनके घर वो भी चीज़ आ गई, वो कितने भाग्यशाली हैं, वो इतने खुश हैं। ये नहीं पता उनके मन के अंदर की हालत कैसी है, लेकिन उनको सामान खरीदते हुए देखते हुए हम अपनी खुशी को गवा देते हैं, ये सोच के कि उनके घर ज़्यादा खुशी आई हुई है। ईर्ष्या, स्पर्धा, एक दूसरे के साथ तुलना करना, दूसरे की तरह बनने की कोशिश करना, ये सब करते 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 खुशी जो मेरा संस्कार है वो घटता गया और उसकी जगह कुछ कुछ और दाग धब्बे आ गए हैं। तो आज हमें खुशी चाहिए नहीं, मुझे वो दाग धब्बों को क्या करना है? अगर मैं इस कपड़े को 20 साल के बाद भी धोऊं तो ये सफ़ेद तो हो जाएगा ना वापस? हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। बस वही करना है। ये जो शक्ति है आत्मा, इसके साथ रोज़ थोड़ा समय बिताना शुरू करें, मतलब खुद के साथ समय बिताएं, अपने आप को याद दिलाएं, खुद को समझने के लिए और दूसरों को समझने के लिए अपने संस्कारों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहली चीज़, मैं ये शरीर नहीं आत्मा हूँ। जिस दिन मृत्यु होती है, किसकी मृत्यु होती है? कौन खत्म हो जाता है? कौन खत्म हो जाता है? कुछ खत्म हो जाता है और कुछ आगे चला जाता है। हम अंतिम संस्कार करके आते हैं और साथ साथ हम कहते हैं वो चले गए। किसकी मृत्यु हुई? कौन खत्म हो गया? ये कपड़ा जो मैंने पहना हुआ है, क्या मुझ आत्मा की मृत्यु हो सकती है? नहीं, क्योंकि वो एनर्जी है, वो शक्ति है, उसका विनाश नहीं होता है। मैं आत्मा एक क्षण में उस शरीर का त्याग करती हूँ, माँ के गर्भ में प्रवेश करती हूँ और कुछ महीनों के बाद एक बच्चा पैदा हो जाता है। एक चोला छोड़ा और दूसरा चोला ले लिया। अब किस किस के बच्चे हैं? हाथ उठाओ। सबके। किस
किस किस के बच्चों के संस्कार आपसे अलग हैं थोड़े से, मतलब आपके बच्चे के संस्कार और आपके संस्कार थोड़े अलग हैं एक दूसरे से, काफ़ी सारे हैं। किस किस के दो बच्चे हैं और उन दो बच्चों के संस्कार एक दूसरे से अलग हैं, तो कभी कभी सोच तो चलती है ना इस बात के ऊपर, मेरा बच्चा होकर ऐसे कैसे करता है ये। सपोज कोई पेरेंट है, बहुत एक्यूरेट है, हर काम एक्यूरेट करता है, समय पे करता है, समय से पूरा करता है, और बच्चा है टालता ही जाता है, टालता ही जाता है, कल करेंगे, बाद में करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। कोई माता पिता है, वो सच के अलावा कोई शब्द नहीं बोलता है, और उसका बच्चा है छोटी छोटी बातों में झूठ बोल देता है। कोई माता पिता है, वो शहर का पुलिस ऑफिसर है, उसका बच्चा स्कूल से जाके लोगों की पेंसिल उठा के ले आता है। अलग अलग संस्कार, अलग अलग संस्कार। और तो कई बार माता पिता बच्चे को देखते, ये मेरा बच्चा कैसे हो सकता है, कई बार तो इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ऐसे संस्कार अलग दिखाई देते हैं कि गुस्से में आके कहते हैं मुझे लगता है पक्का हॉस्पिटल में बदल गया, मेरा हो नहीं सकता ये, तो इतना अलग कैसे हो सकता है। क्योंकि हम उसको मेरा बच्चा कहते हैं, वो है मेरा बच्चा, लेकिन वो आत्मा है जो आज इस कॉस्ट्यूम में आए हैं। इससे पहले कहाँ थे? एक और कॉस्ट्यूम में। उससे पहले कहाँ थे? एक और कॉस्ट्यूम में। उससे पहले कहाँ थे? एक और कॉस्ट्यूम में। और फिर हमारे दो बच्चे हैं, उन दोनों को देखें, उनके माता पिता एक है, उनका घर पालना परवरिश एक है, स्कूल एक है, दोस्त अलग एक है, सब कुछ एक है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से कितने अलग हैं। तो हम उन दोनों को देखते हैं और हम कहते हैं दोनों मेरे बच्चे हैं, दोनों को मैंने एक जैसा दिया, फिर ये दोनों एक दूसरे से अलग क्यों हैं? हमने एक जैसा अभी दिया, लेकिन वो दोनों सिर्फ बच्चे नहीं हैं, वो दोनों आत्मा हैं जो इस घर में आए हैं। इससे पहले कहाँ थे? बिल्कुल अलग परवरिश, बिल्कुल अलग पालना। तो मैं आत्मा हूँ ये पता है, लेकिन मैं आत्मा हूँ याद न रखने की वजह से सारा दिन बहुत सारे प्रश्न उठते हैं और खुशी गायब हो जाती है। एक मिनट आंख बंद करें और अपने परिवार को सामने लेकर आएं, देखें उनको, या बच्चों को सामने लेकर आए, सबको ले आए घर में, ज़्यादा लोग हैं आजकल, लेकर आए और उनको एक अलग नज़रिए से देखो। मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता, भाई बहन, ये सिर्फ रिश्ता नहीं है, ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये आज मेरे साथ है, इससे पहले, ये 100 साल पहले एक अलग शरीर में, अलग परिस्थितियाँ, उससे पहले 100 साल अलग शरीर में, अलग परिस्थितियाँ, अलग अलग बातें देख देख कर, अलग अलग संस्कार लेकर ये आत्मा मेरे घर आई है। आज से मैं इनके संस्कारों पर प्रश्न चित्त नहीं रहूंगी कि ये ऐसे क्यों है, ये कभी नहीं कहना है, ये ऐसे कैसे हो सकते हैं, ये कभी नहीं कहना है, ये अपने जीवन की यात्रा पर कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, कोई ना कोई संस्कार बनाकर लेकर आए हैं। आज उनको एक संकल्प दे, मैसेज दे, मैं आपको समझती हूँ, मुझे समझ आ गया है आपका ये संस्कार क्यों ऐसा वाला संस्कार है, मैं आपको स्वीकार करती हूँ, और आज से मैं आपको इस संस्कार परिवर्तन करने के लिए, शक्तिशाली बनने के लिए, मैं आपको आज से दुआएं देती हूँ। पहली चीज़ क्या करते हैं? हम आपको समझते हैं,
दूसरी तीस क्या करते हैं, हम आपको स्वीकार करते हैं, और तीसरी चीज़ हम आपको दुआएं देते हैं और उससे आपको शक्तिशाली बनाकर परिवर्तन कर देंगे। फिर अभी हम देखेंगे कि कैसे करना है। अच्छा, वापस आओ। अब चारों तरफ देश में बारिश, कहीं बाढ़, मकान टूट रहे हैं, लोग घर खो रहे हैं, और कई कई जगहों पर तो हम सब ने अखबार में पढ़ा होगा, अपने अपने शहर से लोग छुट्टी मनाने गए थे। रखो अपने आप को उस पोजीशन के अंदर, कोई छुट्टी मनाने गया था अपने दोस्तों के साथ, घूम रहे थे, और अचानक इतना पानी आया, इतना पानी आया कि उस पानी के कारण सब कुछ खत्म हुआ और आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। हुआ है ऐसा पिछले एक महीने के अंदर? हुआ है, राइट? अब इस सीन को सामने लेकर आना, इससे लोगों को समझना और खुद को समझना बहुत आसान हो जाएगा। बाढ़ आई, छुट्टी पर गए थे, शरीर ही छूट गया। अब वो वहाँ से छूटा और गर्भ में जाकर प्रवेश किया, कुछ महीनों के बाद एक बच्चा पैदा होगा कहीं। उस आत्मा की शरीर छोड़ने से पहले की अंतिम स्थिति कैसी थी? अब वो बच्चा जहाँ पैदा होगा, तो धीरे धीरे जब वो बच्चा एक साल का, दो साल का, तीन साल का होगा, उस बच्चे को पानी से बड़ा डर लगेगा। लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा पानी से डर? पानी से डर लगेगा। उसके माँ बाप उसको कहेंगे, चलो मैं आपको स्विमिंग पूल में तैरने के लिए लेकर चलो। क्या वो तैरने जा पाएगा बच्चा? जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। उसको अगर वहाँ लेकर भी जाएंगे ना पानी के नज़दीक तक, तो वो पानी को देखते ही क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या लगता है क्या हो जाएगा? सोचो, वो पानी को देखते ही क्या हो जाएगा? वो डर कर भाग कर आ जाएगा वहाँ से। क्या माँ बाप समझ पाएंगे कि ये बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है? तो वो उसको क्या बोलना शुरू करेंगे? डरपोक, पानी से डरता है? पानी से कौन डरता है? बच्चे को खुद भी नहीं समझ में आएगा कि मुझे पानी से क्यों डर लग रहा है। लेकिन क्या उसका डर जायज है? है या नहीं है? आपको क्या लगता है या नहीं है? आप बताओ, आंसर है या नहीं है? है ना? लेकिन उसको कोई समझ नहीं पाएगा, क्योंकि हम उसको कैसे देख रहे हैं? हम देख रहे हैं चार साल का बच्चा, इसको क्यों पानी से डर लगता है? फिर पता है माँ बाप क्या करेंगे? कहेंगे, चलो इसको उसमें डाल दो स्विमिंग पूल में, अपने आप तैरना सीख जाएगा। वो उस बच्चे, इंटेंशन बहुत अच्छी है, भावना बहुत अच्छी है, लेकिन आत्मा की यात्रा की सच्चाई नहीं पता है, बच्चे को समझ नहीं पाएंगे, और उसके हित के लिए ये सोचेंगे कि उसके हित के लिए है, और उस बच्चे को उठा के स्विमिंग पूल में डाल देंगे। जैसे ही वो बच्चा उस पानी की लहरों में फिर से जाएगा, क्या हो जाएगा? उसको इतनी घबराहट होगी, वो इतना चीखेगा, इतना चीखेगा, क्योंकि उसके लिए वो पानी की लहरें, क्या रिकॉर्डिंग है यहाँ पर आत्मा के ऊपर? मेरा सब कुछ खत्म हो गया उस स्थिति के अंदर। लेकिन कोई उसको नहीं समझेगा, सब कहेंगे डरपोक है, डरपोक है, डरता है, डरता है, और डरपोक डरपोक बोल बोल के, उसकी निंदा करके, उसका मजाक उड़ा के, उसकी तुलना दूसरे बच्चों से करके, अपने भाई को देख, वो कितना अच्छा तैरता है, तू कितना डरपोक है। और सिर्फ अपने भाई बहनों से नहीं, पड़ोसियों से भी तुलना कर देते हैं अपने बच्चों के, और ऐसा करके हम जो उसकी तरफ नेगेटिव एनर्जी भेजेंगे, तो वो आत्मा जो ऑलरेडी इतना कुछ सहन करके आई थी, उसकी शक्ति बढ़ेगी या घटेगी?
आत्मा की शक्ति बढ़ेगी या घटेगी जब सब उसकी तरफ इस तरह से देखेंगे और बोलेंगे? बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी ना। और वो सब कुछ क्यों हुआ? क्योंकि हमने सोचा 5 साल का बच्चा है, और जैसे ये याद आया, ये 5 साल का बच्चा नहीं, ये आत्मा है, 5 साल की तो उसकी ड्रेस है। और फिर धीरे से उनको किसी ने आकर कहा, आपको पता है 5 साल पहले वो कुल्लू मनाली में बाढ़ आई थी, आपको पता है? कहते हाँ पता है, पेपर में तो पढ़ा था। कहते मुझे दिखाई देता है ये आत्मा ने ना उसमें शरीर छोड़ा था। एक सेकंड का ज्ञान, और उस माता पिता का उस बच्चे को देखने की तरह नजरिया बदल जाएगा, और वो कहेंगे हाँ उसमें शरीर छोड़ा था। फिर तो डर लगना जायज है, फिर तो नेचुरल है। और फिर उसके बाद, ये नहीं है कि उसको जीवन भर वो डरने देंगे, लेकिन फिर उसके बाद वो उसके पानी के डर को स्वीकार करेंगे, वो उसके पानी के डर को समझेंगे, और फिर वो उसको पानी के डर को ख़त्म करने का उसके साथ पुरुषार्थ करेंगे। उसका मजाक नहीं उड़ाएंगे, उसको ताने नहीं मारेंगे, और उसकी एक दूसरे किसी के साथ तुलना नहीं करेंगे, क्योंकि समझ में आ गया वो आत्मा है। अब फिर से आंख बंद करो और अपने परिवार को सामने लेकर आओ। चाहे पानी का डर हो, चाहे विश्वास करने का डर हो, कई लोगों को विश्वास करना मुश्किल लगता है, कई लोगों को छोटी छोटी बातों में निराश हो जाना आसान लगता है, उनके लिए बहुत सहज है वो। कई बच्चों को, बच्चे भी नहीं बड़े भी, कोई नया काम करने से डर लगता है, कई लोगों को हॉस्पिटल जाने से डर लगता है, किसी को इतनी सी सुई देखकर इंजेक्शन की चीखना शुरू हो जाता है, बड़े बड़े पहाड़ चढ़ लेंगे लेकिन सुई से डर लगता है। ये सब क्यों है? क्योंकि उस आत्मा ने किसी न किसी जन्म में उस चीज से दर्द अनुभव किया है। उनको देखो, उनकी आदत और उनके संस्कार को समझो, और उनको फिर से कहो, हम आपको समझते हैं। अब बहुत प्रश्न उठाए आपके संस्कार पर हमने, आई अंडरस्टैंड यू, हम आपको समझते हैं, हम आपको आप जैसे हैं स्वीकार करते हैं। और अब बहुत इम्पोर्टेंट है, जो संस्कार आप उनका बदलना चाहते हैं, जैसे किसी के अंदर डर का संस्कार है, तो अब आप उसको देखो और उसको कहो, आप शक्तिशाली निडर आत्मा हो। दुआ दीजिए उस संस्कार की जो आप उनके अंदर लाना चाहते हैं, आप शक्तिशाली निडर आत्मा हो। आपके परिवार में किसी के अंदर गुस्से का संस्कार है, उसको दुआ दो, आप शक्तिशाली हो, आप शांत स्वरूप आत्मा हो। किसी के अंदर विश्वास करने से डर लगता है, आप उनको दुआ दो, आप प्यार से भरपूर हर एक को विश्वास करने वाली आत्मा हो। क्लियरली देखो उनको कौन से संस्कार की जरूरत है, कौन सा उनका संस्कार अभी है, और उसकी जगह उनका कौन सा संस्कार बदलना है, और अपनी सोच को बदल दो। जो संस्कार अभी है वो नहीं सोचना है, जो संस्कार उनके अंदर लाना है वो ही सोचना है, वो ही बोलना है। ढूंढ लो अब अपने अंदर, उनके अंदर वो संस्कार, और अब इसी चीज को अपने साथ करो। अपने उस संस्कार और आदत को देखो जिसको बदलना है,
कमजोर संस्कार का उच्चारण नहीं करना है और जो संस्कार लाना चाहते हैं वो ही सोचना है, वो ही बोलना है। मैं सदा खुश, बार बार हर रोज ये रिपीट करना है, मैं हमेशा खुश, मैं हमेशा शांत, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ। ओके, वापस आइए, आंखें खोलो। किस किस को कुछ कुछ दिखाई दिया अपने घर में, कौन से संस्कार चल रहे? हाथ उठाओ, दिखाई दिया। अब किस किस को मिल गया कि उनको कौन सी दुआ देनी है? ये नहीं बोलना है, ये बोलना है। वेरी गुड। ऊपर आज से पक्का कर दो, जो संस्कार दिखाई देता है उसको नहीं बार बार बोलना, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। जितनी बार बोलेंगे ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, तो वो संस्कार क्या होता जाएगा, क्या होता जाएगा? और पक्का होता जाएगा, और पक्का होता जाएगा। एक कागज़ है, उसके ऊपर एक काले रंग का सर्कल बना हुआ है। वो काले रंग का सर्कल अच्छा संस्कार नहीं है, लेकिन अगर हम बार बार बोलेंगे ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, तो हम उस संस्कार को क्या करते जाएंगे? बोलो शब्द क्या है? हम उस संस्कार को क्या करते जाएंगे? हम और पक्का करते जाएंगे। सिर्फ हम नहीं बोलेंगे, हम परेशान होकर पड़ोसियों से भी बात करेंगे, कहेंगे क्या करूँ, मेरा बेटा ऐसे है। फिर वो पड़ोसी भी वरदान देंगे, आपका बेटा ऐसे है। इतने सब लोग वो संस्कार का उच्चारण बार 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 करते हैं, तो उस आत्मा के अंदर वो संस्कार और पक्का होता जाता है। राजयोग हमें एक बहुत सहज विधि सिखाता है, जो काले रंग का सर्कल है उसको नहीं रिपीट करना, लेकिन उस काले रंग के सर्कल पर हर रोज 5 सफ़ेद रंग के सर्कल ड्रॉ कर दो, तो थोड़े दिन के अंदर वो काले रंग का सर्कल क्या हो जाएगा? दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा? दिखाई नहीं देगा। तो जो संस्कार है वो सोचना नहीं, वो बोलना नहीं, जो संस्कार बनाना चाहते हैं उसको रोज़ सोचना और बोलना है, अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी। इसीलिए आज से हम कभी नहीं कहेंगे मुझे खुशी चाहिए, हम क्या बोलेंगे? मैं खुश, जैसे ये लाइट गई, लाइट आई, ठीक है, लाइट गई, लाइट आई। इसी तरह जीवन में परिस्थिति आती है, परिस्थिति जाती है, लेकिन नहीं नहीं अभी तो बात ही नहीं हुई कोई, रुको। परिस्थिति आने और परिस्थिति जाने के बीच एक गैप होता है। ये तो हमारा भाग्य अच्छा, एक सेकेंड में लाइट वापस आई, हो सकता है वो 5 मिनट बाद आती, हो सकता है वो 15 मिनट बाद आती, और हो सकता है वो आती ही ना, ये भी हो सकता है। कुछ समस्याएं थोड़े समय में ठीक हो जाती है, कुछ थोड़े समय ज़्यादा बाद ठीक होती हैं, और कुछ जीवन की बातें ऐसी होती हैं जिसका कोई समाधान नहीं है। लेकिन एक चीज़ हमेशा पक्की रखनी है, वो एक परिस्थिति है। वो क्या है बोलो? वो एक परिस्थिति है। परिस्थिति मतलब परिस्थिति है। मेरे मन की स्थिति, मेरे मन की स्थिति परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। इसको बोलो पहले, क्योंकि सारा दिन में इसका विपरीत बहुत बोलते हैं हम। हमारी एक एक सोच के रचयिता हम खुद हैं। मेरा मन एक 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 सोच करता रहता है, लेकिन ज़्यादातर हमारी सोच
परिस्थिति पर, लोगों पर और लोगों के व्यवहार पर निर्भर हो चुके हैं। और जब हमारी सोच लोगों पर और परिस्थिति पर निर्भर हो जाती है तो फिर दुनिया को सही होना पड़ता है ताकि मैं सोच सही रखूं। हम कहते हैं आज सुबह सुबह ना मेरा मूड बड़ा ही अच्छा था, मैं बड़े खुश था आज सुबह सुबह, लेकिन सुबह सुबह उसने बात ऐसी बोली कि मूड ही खराब हो गया। क्या लोग हमारा मूड खराब कर सकते हैं? क्या लोग हमारा मूड खराब कर सकते हैं? ऐसे आप सब में से सुबह सुबह आज किसी का मूड खराब हुआ था? हाथ उठाना, हाथ उठाओ, किसका मूड आज खराब है? ऐसे नहीं हो सकता, एक का भी नहीं हुआ सारे दिन के अंदर। अच्छा चलो आज सुबह को छोड़ो, कल सारा दिन में आपके दिन जीवन में कुछ ऐसा हुआ था जो मूड खराब हुआ था थोड़ा सा? हाँ, अब उस सीन को सामने लेकर आओ, क्या हुआ था, किसने क्या किया था, क्या बात आई थी और मेरे मन की स्थिति थोड़ी सी हलचल में आ गई। और जब वो आई और आपको किसी ने आकर पूछा क्या बात है भाई आपका मूड ठीक नहीं है, तो उंगली कहाँ गई, उंगली कहाँ रखी, उंगली कहाँ रखी? उसने बात ही ऐसी की थी, मूड खराब तो होना ही था। तो हमने अपने मन का रिमोट कंट्रोल कितने लोगों के हाथ में दिया हुआ है? फिर से एक मिनट आंख बंद करो, ढूंढ लो, फटाफट लिस्ट बनाओ, मेरे मन की स्थिति पर कितने लोगों का प्रभाव पड़ता है, किसके एक शब्द से, किसके एक व्यवहार से मेरा मन हलचल में आ सकता है? कितने लोग हैं, मोटे मोटे कितने लोग होंगे मेरे जीवन के अंदर? उसने मेरी तरफ देखा नहीं, उसने पांव छुए नहीं, उसने नमस्ते की नहीं, उसने खाना पूछा नहीं, वो तो छोटी छोटी बातें, फिर बाकी मोटी मोटी तो और। कितने लोगों के पास मेरे मन की स्थिति का रिमोट कंट्रोल है? परिवार के सदस्य, अड़ोस पड़ोस, दोस्त संबंधी और फिर सब जिनके साथ हम काम करते हैं। जब हम सड़क पर होते हैं और कोई हमारे आसपास ठीक से गाड़ी स्कूटर साइकिल नहीं चला रहा होता, क्या तब भी हमारा मन हलचल में आ सकता है? तब भी आता है, मतलब अनजान गैर लोगों के पास भी मेरे मन का रिमोट कंट्रोल है। कभी कभी तो ऐसा लगता है सबके पास रिमोट कंट्रोल है, एक उसके पास छोड़ के जिसके पास होना चाहिए। टीवी का रिमोट कंट्रोल तो किसी को देते नहीं, कहते मेरे पास चाहिए मेरे को रिमोट कंट्रोल। क्यों टीवी का रिमोट कंट्रोल मेरे पास होना चाहिए? ताकि मैं अपने चॉइस का चैनल देख सकूं। तो मन का रिमोट कंट्रोल अगर मेरे पास होगा तो मैं अपनी चॉइस की सोच क्रिएट करूंगी ना। आज इसको पक्का करते हैं हमेशा के लिए। परिस्थिति बाहर है, व्यक्ति रिश्ता बाहर है, उनका व्यवहार भी बाहर है। वो गलतियां कर रहे हैं, ऐसा नहीं है वो नहीं कर रहे हैं। कोई गलत कर रहा है, कोई गलत व्यवहार कर रहा है, गलत बोल रहा है, लेकिन जो मेरी सोच है वो किस पे डिपेंडेंट है? उन पर या मुझ पर? किस पर निर्भर है, उन पर या मुझ पर? आपने आंसर देना है, मैंने ऐसे नहीं पढ़ते, बताना है आपने आंसर। मेरी सोच किस पर डिपेंडेंट है, उन पर या मुझ पर? रेडियो आप बोलने के लिए कि मुझ पर निर्भर है? हाँ, अगर मुझ पर निर्भर है तो आज से थोड़ी सी भाषा बदलनी पड़ेगी। उनकी वजह से गुस्सा आ गया, उस बात की वजह से टेंशन हो गई, उसने ऐसा किया इसलिए चिंता हो रही है, उसने मेरी इंसल्ट कर दी, उसने मेरा अपमान कर दिया, उसने मुझे दुख दिया,
मेरा काम नहीं हुआ इसलिए निराश हूं, ये सारी भाषा क्या बोल रही है? अगर आज हम सिर्फ इस एक चीज को बदल दें, हम सदा खुश रहेंगे, क्योंकि फिर वो रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? मेरे हाथ में है। तो भाषा को बदलते हैं थोड़ा सा। सामने वाला, अच्छा अपने दोनों हाथ आगे करो, एक मिनट, अपने लेफ्ट हैंड पे उनको बिठाओ जो तंग करते रहते हैं सारा दिन, ठीक है, उनको यहाँ बिठा दो, और अपने राइट हैंड पे अपने मन को बिठाओ, और इसको साक्षी होकर देखो एक मिनट। ऐसा वो तंग करते हैं, वो झूठ बोलते हैं, वो धोखा देते हैं, वो गलत शब्द बोलते हैं, वो सच है, वो बोलते हैं, मेरे मन में क्या चलता है, हम कैसे सोचते हैं, फिर हम क्या बोलते हैं और हम कैसा व्यवहार करते हैं, ये कौन डिसाइड कर रहा है, वो या हम? कौन कर रहा है, वो या हम? किस किस को लगता है मैं, और किस किस को लगता है वो? दोनों। हाँ, ये आंसर बेस्ट होता है, दोनों। एक मिनट खड़े हो जाओ, नहीं सब नहीं, एक ही लेकिन आप मन से आप सारे खड़े हो जाओ। अब इस सीन को सामने लेकर आओ, ये सारा दिन हमारे सामने होता है। भाई साहब वहाँ खड़े हैं, मैं यहाँ हूँ, 5-6 हज़ार लोग हैं यहाँ इस हॉल में, मैं 5-6 हज़ार लोगों के सामने, मीडिया के सामने, नेशनल टेलीविज़न के सामने, इनके बारे में कुछ 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 यहाँ से बोलती हूँ मंच से। मेरा कर्म गलत है, लेकिन मेरे पास पावर है कि मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, वो मेरी चॉइस है। मेरे शब्द मेरा कर्म बिगाड़ रहे हैं, ये तो पक्का है, लेकिन मैं यहाँ से जोर से बोल सकती हूँ, झूठ बोल सकती हूँ, गलत बोल सकती हूँ, जिस बात में एक रत्ती भर सच नहीं हो वो भी बोल सकती हूँ, आपके बारे में भी बोल सकती हूँ, सबके बारे में बोल सकती हूँ, लेकिन क्या मैं आपके मन के अंदर घुस के आपकी सोच बना सकती हूँ? थोड़ा सा भी नहीं। उसका रिमोट कंट्रोल किसके पास है? तो दोनों के पास है या सिर्फ आपके पास है? नहीं, इधर हूं दोनों, इस टाइम मैं हूं वो दूसरा। तो आपके मन के अंदर अभी जो चलेगा, अब इनके पास क्या क्या चॉइस है, अपने आप को उनकी जगह रखो और चॉइस से सोचो। अगर मैं 4 शब्द गलत बोलती हूं तो इनके पास चॉइस है कि ये रिटर्न में 4 का रिटर्न 10, अच्छा ठीक है, 4 का रिटर्न वो 10 शब्द रिटर्न में बोलेंगे, चॉइस है। दूसरा चॉइस है चुप रहेंगे, इतने सब लोगों के सामने मेरी तरह गलती नहीं करेंगे, लेकिन मन में 400 शब्द बोलेंगे। तीसरा चुप रहेंगे लेकिन बाहर जाके मेरे पीठ पीछे 4 लाख शब्द बोलेंगे। चौथा चुप रहेंगे लेकिन मन से रोएंगे, अपमानित फील करेंगे, किसी को मेरे बारे में बुरा नहीं बोलेंगे लेकिन अपमानित फील करेंगे। पांचवा चुप रहेंगे, कहेंगे छोड़ो ना उनका संस्कार, बात को खत्म करेंगे। छठा, नहीं एक मिनट, एक और ऑप्शन है, छठा ऑप्शन सबसे इम्पोर्टेंट है, चुप रहेंगे, समझेंगे कि सामने वाली आत्मा कमज़ोर है इसलिए तो इतना बुरा भला गलत बोल रही है, परमात्मा को याद करके दुआ देंगे और मेरी भी शक्ति बढ़ा देंगे। चॉइस है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 चॉइसेस हैं, हम मालिक हैं इस मन के, हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, लेकिन अगर हम उस चॉइस को यूज़ नहीं करते तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं उन्होंने बात ही ऐसी बोली थी कि गुस्सा तो आना ही था, और हम चॉइस की जगह
एक मशीन बन जाते हैं जिसको कोई भी ऑन ऑफ कर सकता है। तो किसके पास पावर है? सिर्फ और सिर्फ सिर्फ, ताली बजाओ आप इनके लिए, क्योंकि इनका तो आज पक्का हो गया कि इन्होंने जीवन भर, अब इनके साथ किसी ने भी कुछ गलत बोल दिया, इन्होंने क्या करना है? सिर्फ दुआएं देनी है। और हम सब का भी पक्का हो गया कि हमारे साथ भी अगर कोई कुछ गलत बोलेगा तो हमने उनको सिर्फ क्या देना है? दुआएं देनी है, दुआएं देनी है, दुआएं देनी है, दुआएं देनी है। जैसे मैं अगर अभी ये सीढ़ी से उतर रही हूँ, लेकिन उतरते उतरते मेरा पैर स्लिप हो जाता है और मैं गिर जाती हूँ, तो आप क्या करेंगे? नेचुरल, हम बोलते हैं ना नेचुरल किया, तो नेचुरल क्या करेंगे जब कोई गिर रहा है? तो अपने आप उठाएंगे? नहीं, ऑप्शन है, ऑप्शन है वहाँ बैठो और सिर्फ देखो मुझे गिरते हुए, ऑप्शन है वहाँ दे बैठो और हंसो मेरे ऊपर, कमाल है, सीढ़ी भी नहीं दिखती उसको। और एक और ऑप्शन है, गिरते हुए देखकर बीच में धीरे से पैर रख दो ताकि और जोर से गिर जाए, ये भी ऑप्शन है। लेकिन हम इसमें से कोई ऑप्शन यूज नहीं करेंगे, हम इमीडिएटली क्या करेंगे? हम उठेंगे और मदद करेंगे, क्योंकि ये हमारा संस्कार है कि गिरते हुए को देखकर हम उठाते हैं, गिराते नहीं हैं उसको। जो इन आँखों से गिरता हुआ दिखाई देता है हम उसको उठाते हैं, लेकिन जब लोग मन से और संस्कारों से गिर रहे होते हैं हम खुद को भी गिराते हैं और फिर उनको भी साथ में गिराते हैं। लेकिन अगर मैंने गलत व्यवहार किया और मुझे आपने संस्कारों से गिरता हुआ देखा, और अगर आपने 10 सेकंड रुककर सिर्फ परमात्मा को याद करके कहा शक्तिशाली आत्मा है, अच्छे कर्म है, दुआएं दुआएं दुआएं, तो आपने क्या कर दिया? गिरते हुए को क्या करा? उठा दिया। अगर हम सब संस्कारों से गिरते हुए को उठाएंगे तो हम बहुत जल्दी भारत को स्वर्णिम भारत बनाएंगे, बहुत जल्दी बना लेंगे। लेकिन अगर हम सिर्फ उनकी निंदा करेंगे, उनके पीठ पीछे बात करेंगे और हम खुद परेशान हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, तो हम कलयुग को घोर कलयुग, घोर कलयुग, घोर कलयुग बनाते जाएंगे। तो मेरे मन का रिमोट कंट्रोल किसके पास है? मेरे मन का रिमोट कंट्रोल किसके पास है? हाथ रखो उनके ऊपर। सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ हमेशा मेरे पास ही था, लेकिन हम यूज नहीं कर रहे थे और हम बोल रहे थे उनकी वजह से, उनकी वजह से, उनकी वजह से। किसी ने कुछ गलत किया, आपने गुस्सा किया, कोई बात नहीं, आपको गुस्सा करना है आप गुस्सा करो, सिर्फ एक बात नहीं बोलना, उसने गुस्सा दिलाया। जैसे ही मैंने कहा उसने गुस्सा दिलाया, मैंने अपनी शक्ति, अपने मन के ऊपर का कंट्रोल छोड़ दिया और मैंने कहा उसने गुस्सा दिलाया, और अगर उसने गुस्सा दिलाया तो मुझे ठीक भी कौन करेगा? उसके बाद मुझे ठीक कौन करेगा? फिर हम उनकी तरफ देखते हैं, सॉरी बोलो। कौन कौन वेट करता है दूसरों की सॉरी बोलने के? हम ऐसे हो गए, ऐसे ऐसे हो गए हम, ये सॉरी बोलो तब मेरा मूड ठीक होगा, क्योंकि मूड खराब भी आपने किया था, ठीक भी आपको ही करना पड़ेगा। वो सुबह सुबह ऑफिस जा रहे होते हैं, एक लाइन बोल देते हैं, ये नाश्ता कैसे बनाया आज, नहीं आता था तो मेरी मम्मी से सीख लेती, वो अच्छा बना देती, परांठा सिखा देती कैसे बनाना है। वो सच बोला और सच बोल के प्यार से ऑफिस चले गए, उनको तो ये भी नहीं पता था उन्होंने कुछ गलत बोला। हमने पूरा दिन इतना कुछ सोचा 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 सोचा, मेरी कोई प्यार नहीं करता, मेरी कोई परवाह नहीं करता, सुबह से मैं लगी थी रसोई में, तबीयत ठीक नहीं थी तो भी मैंने खाना बनाया, और इतने सबके बाद ये सुनने को मिला। शाम को वो घर आते हैं और हमारा चेहरा कैसे होता है, ये बात अलग है कि दिन में हमने 2-3 लोगों से बात भी कर ली होती है, अपनी मम्मी से, अपनी बहन से, अपनी सहेली से, और सबने बोला था हाँ नेचुरल है, बुरा तो लगेगा ही, क्यों नहीं बुरा लगेगा, तो सब हमारे बुरा लगने को भी स्टैंप लगा देते हैं।
आजकल कलयुग में राय भी ऐसे ही मिलती है। हाँ, बुरा कैसे नहीं लगेगा, उल्टा बोलते तेरे को तो थोड़ा सा बुरा लगा, मेरे को तो इतना बुरा लगता मैं सामान उठ के चली जाती अपने घर उधर। ऐसा हम एक दूसरे को राय देते हैं, ठीक करने के बजाय उसको और पक्का करा देते हैं कि तुमने सही किया। और ऐसे पूरा दिन सोच सोच के, सोच सोच के, सोच सोच के जब शाम को वो घर आते हैं तो हमारा चेहरा कुछ बदला हुआ होता है। और वो बहुत प्यार से पूछते हैं, क्या हुआ, आज किसी ने कुछ कहा, तुम्हारा मूड खराब है? हमारा तो रोना ही निकल आता है उस टाइम। एक तो सुबह गलती की, शाम को याद भी नहीं है कि गलती करके गए हैं, और छोटी सी बात पर हम अपनी पूरी शाम, हम अपना पूरा रविवार बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि हमने सोचा उन्होंने मुझे हर्ट किया, उन्होंने मुझे दुख दिया। फिर हम ऐसे इंतजार करते हैं, अब सॉरी बोलो। पहली बात तो उनको लगता नहीं कि उन्होंने कोई गलती की थी, पर हम सॉरी का इंतजार करते हैं। वो इतना थक जाते हैं हमारा चेहरा देख देख के, बोलते ठीक है ना सॉरी, ऐसा जैसे डाल देता है ना कोई किसी के कटोरे में, ऐसे खुश रहो। फिर भी हमें पता नहीं चलता कि हम क्या बनते जा रहे हैं, ऐसे खड़े हैं, भाई तुम सॉरी बोलो तब मैं अपना मूड ठीक करूंगी। ऐसे कर करके हम आत्मा की शक्ति को क्या करते जा रहे हैं? हमेशा याद रखना है, लोग हमारे बारे में बोल सकते हैं, लोग हमारे पीठ पीछे भी बोल सकते हैं, लोग सामने भी बोल सकते हैं, लोग 50 लोगों के सामने भी बोल सकते हैं, लेकिन लोग जो हमारे बारे में बोलेंगे वो किसका संस्कार होगा? वो किसका संस्कार होगा? किसका होगा? बहन आप 1 मिनट खड़े होंगे, सिर्फ 1 मिनट। हाँ, सब उनको देखो, टीवी पे देखो या सामने से देखो, देख लिया, बहुत प्यारा सा पीले रंग का सूट पहना हुआ है। अब यहाँ 5,000 लोग बैठे हैं, अगर हर एक से पूछा जाए आपको उनकी ड्रेस कैसी लगी, क्या सबको एक जैसी अच्छी लगेगी? सबको एक जैसी अच्छी लगेगी? नहीं। क्या ये नॉर्मल है कि हर एक की चॉइस अलग अलग होगी? राइट? और अगर किसी ने कहा बहुत अच्छी है और हमारा मन गया ऐसे, किसी ने कहा अच्छी है हमारा मन गया ऐसे, और किसी ने कहा मतलब क्या पहना है, तो हमारा मन गया ऐसे, तो इसका मतलब हम भूल चुके हैं कि वो आपके बारे में नहीं बोल रहे हैं, वो आपकी चॉइस के बारे में भी नहीं बोल रहे हैं, वो अपनी चॉइस आपको दिखा रहे हैं कि उनको पीला रंग पसंद है या नहीं पसंद है, उस आधार से बोल रहे हैं। इज इट ओके अगर कोई बोले कि मुझे ये ड्रेस बिल्कुल पसंद नहीं है? इज इट ओके? यस और नो? यस और नो? इज इट ओके? आपको बुरा लगेगा अगर किसी ने आपकी ड्रेस को बोला कि अच्छी नहीं है, आपको बुरा लगेगा? थोड़ा सा लगेगा, अभी भी लगेगा हो। अच्छा, थोड़ा सा क्यों बुरा लगेगा? आपके लिए अच्छी है, पर आपने मुझे मेरी ओपिनियन पूछी, तो मुझे नहीं अच्छा लगता पीला रंग। इट्स ओके? थोड़ा सा ओके? या मैं सिर्फ आपको खुश करने के लिए झूठ बोल दूं? क्योंकि आजकल बहुत लोग हमें खुश करने के लिए झूठ बोलते हैं, और वो झूठ इसलिए बोलते हैं क्योंकि सच सुनने की हमारे अंदर ताकत नहीं है, हमारा चेहरा बदल जाता है सच सुनकर। क्या मैं सच बोलूं कि मुझे आपकी ड्रेस पसंद नहीं? बोलूं? नॉर्मल आराम से बोलूं? सबके सामने बोलूं? टीवी के सामने बोलूं? आप ठीक रहेंगे? बिल्कुल, थोड़ा भी डिस्टर्ब नहीं होंगे? वेरी गुड। सब रेडी? हाथ उठाओ। किसी ने आपको बोला आपकी ड्रेस ठीक नहीं है, आपका काम ठीक नहीं है, आपकी चीज़ ठीक नहीं है? फीडबैक ले सकते हो, लेकिन निंदा को नहीं लेना है, वो उनकी चॉइस है। अब 1 स्टेप मोर। मैंने बोला आप अच्छे नहीं हो, कितना सन्नाटा हो गया सडनली, वो देखो एनर्जी चेंज। मैंने बोला ड्रेस अच्छी नहीं है, मेरी चॉइस। मैंने बोला आप अच्छे नहीं हो, ठीक है या बुरा लगेगा?
ठीक है या बुरा लगेगा? हाथ खड़े हो जाए जरा। ठीक है, बुरा नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? वेरी गुड। देखो कितने छोटे बच्चे को भी सब समझ में आता है। कहते हैं वो आपकी चॉइस है। मैं इनको अपने संस्कार के थ्रू देखती हूँ। सपोज इनके अंदर सच बोलने का संस्कार है, ये हर चीज़ में बहुत सच बोलती है, लेकिन मेरे अंदर सच बोलने का संस्कार नहीं है, तो मुझे इनका अच्छा संस्कार भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे पास वो संस्कार नहीं है। और क्योंकि मेरे पास वो संस्कार नहीं है, मैंने कहा ये कैसे हैं भाई, इतना सच क्यों बोलते हैं ये? लोग हमारे बारे में ओपिनियन देंगे, लोग हमारे बारे में राय देंगे, लोग हमारे बारे में बोलेंगे, सामने बोलेंगे, पीठ पीछे बोलेंगे, लोगों के सामने बोलेंगे। हमेशा याद रखना, वो हमारे बारे में नहीं, वो अपना संस्कार दिखा रहे हैं। अच्छा संस्कार दिखाते हैं तो उनका शुक्रिया करना, और विपरीत संस्कार दिखाते हैं तो उनको दुआ देना। अपना मूड इतना सा भी खराब नहीं करना किसी और के संस्कार की वजह से, वो करने से हमारी शक्ति घटती है। ठीक है? कौन कौन आज ये पक्का करता है कि अगर, अभी रुको ना एक मिनट, ये पक्का करो कि अगर मेरी ड्रेस को, मेरे फ़ोन को, मेरी गाड़ी को, मेरे मकान को, मेरे काम को, मेरी चीज़ों को किसी ने भी कहा कि ऐसे ही है, तो हमें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, मन की स्थिति बिल्कुल स्थिर। हाँ तो टो डन, होमवर्क हो गया पक्का। दूसरा, कोई मेरे बारे में बोलेगा आप ठीक नहीं हो, तो मेरी स्थिति बिल्कुल स्थिर, कोई फर्क नहीं पड़े। हाँ, राय को दे रहा तो लेना चाहिए। आजकल लोग राय देते हैं, राय अच्छी होती है, लेकिन निंदा के साथ दे देते हैं, तो हमें बुरा इतना लग जाता है कि हम राय भी नहीं लेते उसके बाद, है ना? मम्मी पापा भी ऐसे कर देते हैं ना कभी कभी। हम बच्चों को राय बहुत अच्छी देते हैं, लेकिन नेगेटिव तरीके से राय देते हैं, तो नेगेटिव तरीके से राय मिलती है ना, राय स्वीकार नहीं होती है। जैसे कोई आपको एक गिफ्ट देता है, इसको विजुअलाइज करो, कोई आपको एक सौगात लेकर आया है, आपको गिफ्ट देता है, बहुत अच्छा गिफ्ट है, बहुत महंगा है, पैकिंग भी बहुत अच्छी की हुई है, लेकिन देने के टाइम पता है क्या कहता है? मुबारक हो, ये लो, गिफ्ट बहुत अच्छा है, लेकिन देने का तरीका, देने की वाइब्रेशन, देने का इंटेंशन। और कोई और है जो सिर्फ 2 रुपए का फूल लेकर आता है, कोई महंगा नहीं है, लेकिन वो देता इतने प्यार से है, साथ में कविता आपको सुनाता है, इतने सम्मान से देता है, आप जीवन भर वो फूल संभाल के रखते हो, वो आपको इतना प्रेशियस लगता है। तो राय की उतनी वैल्यू नहीं है जितना राय देने के तरीके की वैल्यू होती है। देने का तरीका मायने रखता है। सही और गलत हर एक को पता है, लेकिन सही के सब पर चलने की अभी शक्ति नहीं है सामने वाले के पास। तो हमें लोगों को राय नहीं देनी है, हमें लोगों को सही पर चलने की शक्ति देनी है। लेकिन निंदा करके, उनकी कमजोरियों का वर्णन करके, हम उनकी शक्ति को क्या करते हैं? गवा देते हैं। और जब शक्ति घट जाती है, वो अच्छी से अच्छी राय नहीं लेते हैं। तो आज से मेरे मन का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में? पक्का? सिर्फ कोई कुछ बोलेगा तब नहीं, कोई परिस्थिति आई गई है, आपने सोचा था कि ऐसा होगा, अचानक उसके विपरीत हो जाता है। जैसे ही कोई परिस्थिति आए, इसको पक्का करते हैं, कुछ संकल्पों को आज पक्का कर लेते हैं कि वो बात हुई तो मुझे क्या बोलना है। ठीक है? जैसे ही कोई आपके साथ गलत व्यवहार करे, सिर्फ एक संकल्प बोलना है, ये उनका संस्कार है, फुल स्टॉप। क्या बोलना है? ये उनका संस्कार है, फुल स्टॉप। और फिर उनको दुआएं दे दो। कर सकते हैं? एक मिनट आंख बंद करो, अपने आसपास के लोगों को देखो जो आपसे ठीक से व्यवहार नहीं कर रहे।
पुराने स्वभाव संस्कार को बदलें। वो बार बार गलती करते हैं, हम बार बार बुरा फील करते हैं। वो बार बार ऐसा बोलते हैं, हम बार बार अपमानित महसूस करते हैं। तो आत्मा की शक्ति घटती है और उस वजह से खुशी गायब हो रही है। वो अपने संस्कार से चलते हैं। मुझे अपने संस्कार को पकड़ के रखना है। देख लो उनको अच्छे से, समझ लो कि वर्तमान समय ये इनका संस्कार है। मैं आत्मा उनको समझती हूँ और आज से दुआएं दो। उनकी नेगेटिव एनर्जी मेरे ऊपर नहीं आ सकती, मेरे से पॉजिटिव एनर्जी उनके पास जाकर उनको भी बदल देगी। वो मुझे नहीं बदल सकते, मैं उनको बदल दूंगी। राइट? करें पक्का? वो हमें नहीं बदल सकते, हम उनको बदल देंगे। अच्छा, आंखें खोलो, वापस आओ। जब टीवी पर रामायण महाभारत ये सीरियल टीवी पर आते थे कई साल पहले, तो एक सीन आता था युद्ध का, कि यहाँ एक योद्धा है, यहाँ एक योद्धा है। ये योद्धा यहाँ से एक शस्त्र फेंकता है और यहाँ का योद्धा क्या करता है, आते हुए शस्त्र को देखकर उससे ज़्यादा शक्तिशाली शस्त्र फेंकता था, ताकि वहाँ से आने वाला शस्त्र उसके ऊपर वार नहीं करता, उसका शस्त्र उसके शस्त्र को बीच में ख़त्म कर देता है। देखा था सबने? देखा था? ओके। जब कोई आपके लिए नेगेटिव सोचता है, नेगेटिव बोलता है, मतलब सिर्फ बोलता भी नहीं है, अगर कोई सोचता भी है, अगर किसी को आपसे ईर्ष्या है, अगर किसी को हीन भावना है, किसी को अभिमान की भावना है, ये सब कुछ एक नेगेटिव एनर्जी है जो उनसे आपकी तरफ आ रही है। कैसे बचाएंगे अपने आप को? वो आ रही है उनकी तरफ से आपकी तरफ। कैसे बचाएंगे अपने आप को? कैसे बचाएंगे अपने आप को? शस्त्र यहाँ से आ रहा है, जल्दी से अपने आप को बचा लो, नहीं तो शस्त्र वार कर देगा फिर। कैसे बचाएंगे अपने आप को? कैसे बचाएंगे अपने आप को? जब यहाँ से शस्त्र आएगा तो यहाँ से क्या करना है? इस शस्त्र से ज़्यादा शक्तिशाली शस्त्र हमें यहाँ से फेंकना है। इसीलिए सबको दुआएं दो, ताकि उनकी नेगेटिविटी आप तक आ ही नहीं सकती। आप जब उसको दुआएं देंगे तो सबसे पहले आप अपने आप को सुरक्षित कर रहे हैं, और दूसरा जब आप उसको दुआएं देंगे तो धीरे धीरे वो भी बदल जाएंगे। लोगों के प्रति शुभ कामनाएं और दुआएं रखकर हम लोगों के संस्कारों को बदल सकते हैं। ये 100% निश्चित है, बहुत इजी है, लेकिन हमें उसको पकड़ के करना है। तो नेगेटिव हम पर नहीं, हम नेगेटिव पर वार करके नेगेटिव को भी ख़त्म कर सकते हैं। तो खुश रहने का सबसे सहज साधन, सबको दुआएं दो। और दुआएं दो मतलब जिस संस्कार, जिस गुण की उनको आवश्यकता है वो उनको दो। इसलिए चीज़ों में खुशी नहीं, चीज़ें सिर्फ सामान है, आराम का साधन है, खुशी का नहीं। लोग मेरे से गलत व्यवहार करते हैं, हम राय देते हैं, लेते हैं, लेकिन दुआएं देते हैं। कोई मेरे लिए नेगेटिव सोचता है, हम उसको दुआएं देते हैं। दूसरे के अंदर कोई गलत संस्कार है, हम उसको दुआएं देकर बदलते हैं। अब जीवन में अगर कोई परिस्थिति आती है, कई बार परिस्थिति लोग नहीं होता, परिस्थिति होती है, शरीर की बीमारी आ सकती है, काम में नौकरी जा सकती है, व्यापार में उथल पुथल हो सकती है, जब भी जीवन में कोई परिस्थिति आए, एक लाइन पक्की करना, रेडी करने के लिए, रेडी करने के लिए, जैसे ही जीवन में कोई परिस्थिति आए, वो भी एक शस्त्र है जो सामने से आ रहा है, उस शस्त्र के आते ही आप यहाँ से एक शस्त्र भेजें, ये जो सीन आया है इसमें मेरे लिए कल्याण है। बोलो बोलो, ये जो बात आई है इसमें मेरे लिए कल्याण है। जैसे ही आपने ये बोला, ये जो बात आई है
इसमें मेरे लिए कल्याण है, तो हमारी स्थिति कहाँ चली गई? हमारे मन की स्थिति कहाँ चली गई? ऊपर चली गई। परिस्थिति कहाँ हो गई? नीचे हो गई। जब मन की स्थिति ऊपर चली जाएगी, परिस्थिति बदल जाएगी। लेकिन अगर हमने कहा ऐसे क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, बार बार मेरे साथ ही ऐसा होता है, तो मन की स्थिति कहाँ चली गई? नीचे चली गई। परिस्थिति हम पर वार करेगी। किस किस को जीवन में अनुभव है कि कुछ हुआ था लेकिन थोड़े टाइम के बाद लगा जो हुआ वो अच्छा था? फोटो खींच के दिखाओ सबको। सबका हाथ ऊपर हो गया। मतलब जब वो बात आई थी तब अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन कुछ दिन बाद, कुछ महीनों बाद, कभी कभी कुछ साल बाद हम कहते उस समय ना वो अच्छा हुआ, अगर वो नहीं होता तो आज ये नहीं होता। लेकिन ये बात हम कुछ महीने और साल बाद बोलते हैं, और उतने दिन हम क्या बोलते हैं, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, और ये करके हम अपने मन की स्थिति और शरीर की स्थिति को घटाते हैं। इसलिए परमात्मा सिखाते हैं, स्थिति को श्रेष्ठ रखो, कर्म श्रेष्ठ करो, मन और शब्दों से सबको दुआएं दो, तो आपके साथ गलत कभी हो ही नहीं सकता। असंभव है, असंभव है, क्योंकि कर्म गलत नहीं किया तो भाग्य में गलत आएगा कैसे, आएगा कैसे? इसलिए बातें आती जाती रहती हैं। एक लाइन पक्की करो, ये जो हुआ है इसमें मेरे लिए कल्याण है, और कल्याण सोचकर अपने व्यर्थ चिंतन को फुल स्टॉप लगाओ, और उस परिस्थिति को भी दुआ देकर उस परिस्थिति को भी बदल दो। नौकरी गई, इसमें मेरे लिए कल्याण है, कुछ और बहुत अच्छा मेरे लिए रेडी वेट कर रहा है, मेहनत करनी शुरू करो। लेकिन अगर क्यों गई, अब क्या होगा, अब मेरा क्या होगा, अब ऐसे होगा तो कैसे होगा, तो नई नौकरी सामने भी खड़ी होगी लेकिन मेरे मन की स्थिति उसके लिए अच्छी नहीं है। फिर से आंख बंद करो, जीवन की परिस्थिति को देखो, कोई भी परिस्थिति जो इस समय आई है, शरीर की बीमारी भी अगर है तो मुझे वो जीवन शैली ठीक करने के लिए, सिखाने के लिए आई है। उस परिस्थिति को देखिए और उस परिस्थिति को दुआ दीजिए, ये बात मेरे कल्याण के लिए आई है। अच्छे से फीलिंग के साथ, कन्विक्शन के साथ, ये बात मेरे कल्याण के लिए आई है, इसमें कल्याण ही कल्याण है, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, परमात्मा मेरा साथी है, परमात्मा मेरे साथ है, मेरे साथ गलत कुछ हो ही नहीं सकता है, ये बात मेरे कल्याण के लिए आई है। ओके, वापस आओ। जो हमने अभी किया ये फिर से वही है, एक ब्लैक सर्कल, काले रंग का सर्कल है, हमें उसके ऊपर क्या करना है, क्या करना है, 5 व्हाइट सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। अब हमें क्या करना है, होमवर्क, एक बहुत पावरफुल लॉ है उसको यूज़ करना है, और वो लॉ है संकल्प से सिद्धि होती है। बोलिए क्या लॉ है? संकल्प से सिद्धि होती है, अर्थात कोई भी एक संकल्प कर लो और उसको बार बार दोहराओ तो वो सिद्ध होना ही होना है। सिर्फ ध्यान रखना है कि संकल्प सही होना चाहिए। अब आप ये मुझे आंसर देना, शाम को बहुत सारा काम करके हम घर पहुंचते हैं, हम थोड़े से थके हुए हैं, ठीक है, अपना हाथ आगे करो और ऐसे रखो, हम 50% 50% थके हुए हैं, ठीक है, इसको ऐसे पकड़ना। अब
कोई हमसे पूछता है कैसे हो, तो हम कहते बहुत थक गया हूँ, बहुत थके हुए हैं, बहुत थके हुए हैं। फिर कोई और पूछता है सब ठीक है, कहते नहीं जी मत पूछो, बहुत थके हुए आज तो पूरा शरीर ही दर्द हो रहा है। कोई कहता है वॉक पे पैदल चलना है, कहते ना ना टांगे टूट रही हैं, मैं तो बहुत थके हुई हूँ। 50% थकावट थी, 10-15 बार उच्चारण किया, हम थके हुए हैं, 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 क्या हो जाएगा 50%? क्या हो जाएगा? 50 रहेगा, थोड़ा सा घटेगा या थोड़ा सा बढ़ेगा? किस किस को लगता है कि थोड़ा सा बढ़ेगा? क्यों बढ़ेगा भाई? जितनी थकावट है उतनी थकावट रहनी चाहिए। बार बार जब हम उच्चारण करते हैं तो संकल्प की शक्ति शरीर तक भी पहुंचती है। फिर से पकड़ के रखो और अपनी शक्ति को देखिएगा। अब बात 50% थी, हमने सिर्फ उसके बारे में सोच और बोल के उसको 50 से 60% कर दिया। अब आप सोच और बोल के उसको 50 से 40 कीजिए। क्या बोलेंगे? कैसे हैं आप? कैसे हैं? ठीक है? ठीक है, सिर्फ ठीक ठीक वर्ड है, थोड़ा और अच्छा बोलते हैं? जितना ऊंचा अपनी सोच को उठा सको। एक होता है ठीक है, ठीक है बोलेंगे ना तो 50 का 50 पे ही रहेगा। हमें 50 को 40 पर लेकर आना है। अब बोलिए कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। बोलते समय चेहरा ही बदल गया, देखो फर्स्ट चेंज, स्माइल आ गई, चेहरा चेंज हो गया, बॉडी की एनर्जी चेंज हो जाती है। अब आप सिर्फ 8-10 बार बोल दो सब ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई बोलेगा पैदल चलना, चलो चलो अभी चलो, घूमने चलना अभी चलो। सामने वाला बोलता है आप थके हुए होंगे, कौन सी थकावट, किस बात की थकावट? और जैसे हम इसका उच्चारण करेंगे तो हमारी जो थकावट थी वो 50 से क्या होने लगेगी, 40 हो जाएगी। और 2-3 दिन अगर उच्चारण करेंगे तो 40 से 20 हो जाएगी, और थोड़े दिन उच्चारण कर लो तो वो गायब हो जाएगी। अगर शरीर में कोई बीमारी है, वास्तविकता है, लेकिन अगर आपको कोई भी पूछे आप कैसे हो तो कभी नहीं बोलना हाय मैं बीमार। कभी किसी को भी, एक डॉक्टर को छोड़ के अपनी बीमारी किसी को नहीं बतानी चाहिए। छोटा सा शहर है आपका, आपके शहर में तो आप एक को बता दो बहुत जल्दी सबको पता चल जाएगा, राइट? छोटे शहर में रहने के फायदे बहुत होते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे वाले नुकसान, बातें बहुत जल्दी फैल जाएंगी। तो अगर मैं यहाँ से निकली मार्केट में गई और किसी ने पूछा कैसी है तबीयत, मैं कहूँ पता है क्या, थोड़ा सा ना ऐसे हो गया, वो घर गए, उन्होंने कहा आज रास्ते में वो मिले थे उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो पड़ोस में बैठी बोलती पता है वो उनको मिले थे उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, अगले दिन तक पूरा शहर आपको दुआएं दे रहा होगा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तो 50 क्या हो जाएगा, 50 क्या हो जाएगा? इसलिए इसको सिद्धांत बनाइए, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी बीमारियां, अपनी मजबूरियां, अपने घर में कोई भी संकट, सिर्फ जो ठीक कर सकता है उसको बताओ, उसके अलावा किसी को नहीं बताओ, बाकी सबको बोलो सब परफेक्ट है, सब परफेक्ट है, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। ये एक सिद्धांत है, जीवन जीने का तरीका है। अपना रोना, दूसरों के सामने रोना नहीं। एक किसी के पास टाइम नहीं है और ऑपोजिट एनर्जी मिल जाएगी। अब इसको फिर से यूज करते हैं, बीमारी को ठीक कर सकते हैं, संस्कारों को बदल सकते हैं, मुश्किलों को, असंभव को संभव कर सकते हैं, बिगड़े हुए रिश्तों को बना सकते हैं, सिर्फ इस एक लॉ से कि संकल्प से सिद्धि होती है। सिर्फ संकल्प राइट करना, बोल राइट बोलना, जीवन बदल जाएगा, भाग्य बदल जाएगा, असंभव संभव हो जाएगा। तो अब अगर मेरे अंदर गुस्से का संस्कार है 50% है,
तो मुझे क्या बोलना है, मैं कौन सी आत्मा हूँ, मैं कौन सी आत्मा हूँ, मैं शांत हूँ। दूसरों को भी क्या बोलना है मेरे लिए, मैं शांत हूँ। बोलते जाओ, सोचते जाओ और बनते जाओ, ठीक है। करें अभी एक बार थोड़े से संकल्प, हम अभी लिख लेंगे, लिख लो, टाइप कर लो, फोन पे रिकॉर्ड कर लो या मन बुद्धि में याद कर लो, लेकिन हमने ये रोज करने हैं, हमने ये रोज करने हैं, हर रोज करने हैं। भाग्य बदलना है। पहला संकल्प, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मतलब मेरा मन का रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है, मैं किसी भी बात में हमेशा स्थिर, अचल, हलचल में नहीं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, पहला संकल्प। दूसरा संकल्प, मैं सदा शांत हूँ, स्थिर हूँ। तीसरा संकल्प, मैं हमेशा खुश हूँ। चौथा संकल्प, मैं निडर हूँ, मैं निश्चिंत हूँ, मैं निडर हूँ, मैं निश्चिंत हूँ। पांचवा संकल्प, अपना संस्कार चुन लीजिए, जिस संस्कार को बदलना चाहते हैं, और उसके लिए अपना संकल्प लिख दीजिए, मैं फिल इन द ब्लैंक, वो संस्कार जो चेंज करना है अपना, ये हर एक का अपना अलग अलग होगा। लिख लिया, मैं शक्तिशाली आत्मा, शांत और स्थिर, हमेशा खुश, निडर निश्चिंत, और पांचवा मेरा अपना संस्कार के लिए लिखेंगे। छठा संकल्प, मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है और हमेशा रहेगा। भाषा को ध्यान से लेना, स्वस्थ होगा नहीं, स्वस्थ होना चाहिए नहीं, स्वस्थ है, है। होगा बोलेंगे मतलब होगा, होगा नहीं, है। मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, हमेशा रहेगा। अगर शरीर में कुछ भी रोग है, उसके लिए संकल्प डालिए। सपोज किसी के घुटने में दर्द है, उन्होंने बोलना है मेरे घुटने परफेक्ट है, दिन में चार बार बोल देते हैं, क्या करूं, घुटने में बड़ा दर्द है, घुटने में बड़ा दर्द है, पीठ में बड़ा दर्द है, सर में बड़ा दर्द है, तथास्तु हो जाता है, वो बार बार रिपीट करते हैं उसको, बोलो बिल्कुल परफेक्ट है। अगर कोई भी शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, कोई भी लेवल ऐसा बढ़ा हुआ है, तो हम कहेंगे मेरा शुगर लेवल नॉर्मल है। क्या बोलेंगे? सिर्फ उनके लिए जिनका बढ़ा या घटा हुआ, जिनका नॉर्मल है उनको नहीं करना है, मेरा शुगर लेवल नॉर्मल है, और फिगर भी दे देना है कितना नॉर्मल चाहिए। अगला संकल्प, रिश्तों के लिए, मैं सबको स्वीकार करती हूँ, सब मुझे स्वीकार करते हैं, मेरे रिश्ते प्यार और सम्मान पर मजबूत हैं। मैं सबको स्वीकार करती हूँ, सब मुझे स्वीकार करते हैं, मेरे रिश्ते प्यार और सम्मान पे मजबूत हैं, मेरा परिवार एकजुट है। परिवारों को जोड़ें वापस, मेरा परिवार एकजुट है। फिर एक संकल्प अपने काम के लिए, बच्चे हैं वो अपनी पढ़ाई के लिए करेंगे, हम अपने काम के लिए करेंगे, वो संकल्प आपको करना है। जो आप आने वाले 6 महीने में बनना चाहते हो, पाना चाहते हो, वो आप लिखेंगे, मैं बन चुका हूँ, वो काम पूरा हो चुका है। सफलता मेरे लिए निश्चित है, सफलता चाहिए नहीं, सफलता मेरे लिए निश्चित है। सर्वशक्तिवान परमात्मा की शक्तियां और दुआएं मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। ये सुरक्षा कवच हर एक को रोज बनाना है। इसको विजुअलाइज करें, सफेद लाइट का आभा मंडल मेरे चारों तरफ, परमात्मा की शक्तियां और दुआओं का सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ है। मैं सुरक्षित हूँ, मेरा जीवन बहुत बहुत बहुत
बहुत बिल्कुल परफेक्ट है, निर्विघ्न, सहज हो गया, इजी, सबको आ गया कैसे करना है, भाषा समझ में आ गई क्या करना है, जो बनना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, जो बदलना चाहते हैं, हमें क्या बोलना है, मैं वो हूँ। एक बार रिपीट करेंगे फटाफट, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। इस हॉल में 5,000 लोग बैठे हुए हैं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शांत हूँ, स्थिर हूँ, मैं हमेशा खुश हूँ, मैं निडर हूँ, मैं निश्चिंत हूँ, मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है। अब मन में अगर कोई बीमारी है उसके लिए संकल्प अभी बोलिए, हर एक को अपना करना है, कोई चोट, कोई दर्द, कोई कुछ भी है उसके लिए अभी संकल्प बोलिए, मैं सबको स्वीकार करती हूँ, सब मुझे स्वीकार करते हैं, मेरे रिश्ते सम्मान और विश्वास की नींव पर मजबूत, मेरा परिवार एकजुट है। अब मन में अपने काम के लिए एक संकल्प बोलिए, सफलता मेरी निश्चित है, परमात्मा की दुआओं का सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ है, मेरा जीवन निर्विघ्न है। सिंपल, इसमें आप किसी भी बात के लिए संकल्प डाल सकते हैं, सिर्फ भाषा ध्यान से रखनी है, जो चाहते हैं कि हो, संकल्प क्या करना है, वो हो चुका है, वो हुआ ही पड़ा है। अब इसको करना कब है, इसका टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको कब करना है, सबसे इम्पोर्टेंट रात को सोने से पहले, क्योंकि रात को सोने से पहले के जो आखिरी संकल्प होते हैं ना, वो बहुत गहरे जाते हैं सबकॉन्शियस के अंदर, और हो सके बहुत सहज है, एक डायरी पेन अपने तकिए के पास रख दो, हर रोज रात को सोने से पहले एक बार ये 10 संकल्प लिख दो, एक मिनट लगेगा, सिर्फ एक मिनट लगेगा, बच्चों के तो नंबर बदल जाते हैं सिर्फ लिख के, ये नंबर बदल जाएंगे, क्योंकि वो 1-2 साल लिखेंगे, मैं एकाग्र हूँ, मेरी एकाग्रता शक्ति परफेक्ट है, मेरे इतने नंबर हैं। मन की शक्ति का प्रयोग कीजिए, क्योंकि मन से संस्कार, संस्कार से कर्म और कर्म से भाग्य बनता है, और आप सिर्फ ये अपने लिए नहीं, आप ये अपने बच्चों को सिखाइए करना, उनको 4-5 संकल्प छोटे छोटे सिखा दीजिए, 4-5 साल के बच्चे करते हैं ये, इतना सहज है ये करना। तो रात को सोने से पहले लिख लीजिए एक बार, एक मिनट के लिए, रात को सोने से पहले फोन नहीं देखते, टीवी नहीं देखते, क्योंकि नकारात्मक चीज़ें अगर अंदर जाती हैं तो संस्कार बदल जाते हैं। सोने से पहले थोड़ा सा परमात्मा का ज्ञान भर के और परमात्मा को याद और शुक्रिया करके ये संकल्प बोलकर फिर सोएंगे। सवेरे उठते ही पहला संकल्प शुक्रिया कर सकते हैं, पहला संकल्प शुक्रिया, पहला संकल्प परमात्मा का शुक्रिया, दूसरा संकल्प मन और शरीर का शुक्रिया, तीसरा संकल्प मेरे जीवन में जितने लोग हैं उनका शुक्रिया, चौथा संकल्प जो मुझे तंग कर रहे हैं उनका भी शुक्रिया, क्योंकि वो तंग करते हैं तभी तो मेरे संस्कार और शक्तिशाली बनकर मेरी ईगो खत्म हो जाती है, और प्रकृति का शुक्रिया, प्रकृति के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना शुरू करें, बहुत ज़रूरी है। और फिर
अपने ये 10 संकल्प रिपीट करें। कौन कौन कर सकता है सुबह और रात, 1 मिनट रात को, आधा मिनट सुबह। और दूसरी बात, जस्ट भोजन करने से पहले, हम सबको बचपन से सिखाया गया था खाना खाने से पहले क्या करना है, खाना खाने से पहले क्या करना है, परमात्मा को याद करना है, अर्थात श्रेष्ठ संकल्प करके उस भोजन की ऊर्जा को भी क्या करना है, उठाना है। क्यों? जैसा अन्न वैसा मन होता है। तो एक घर में संस्कार बना लो कि खाने के समय फोन और टीवी बंद। ये नहीं खाना खा रहे हैं फोन पे बात कर रहे हैं, सामने टीवी देख रहे हैं। भाग्य बदल जाता है इन आदतों के साथ। फोन और टीवी बंद, और परमात्मा को याद करके ये संकल्प बोलकर फिर भोजन करना शुरू कीजिए। तो सुबह रात 3 टाइम भोजन, इतनी बार भी कर लिया आपको महीने के अंदर अपनी सोच बदली हुई दिखाई देगी। इतनी पावर है, ये लॉ है, संकल्प से सिद्धि होती है। संकल्प बदलिए, सिद्धि बदल जाएगी। और अगर हम ये नहीं करते हैं तो हम अपने आप ही वो नेगेटिव बातें बोलते रहते हैं, ये हुआ वो हुआ, ऐसे क्यों हुआ वैसे क्यों हुआ, और वो बोल के हम दूसरी सिद्धि कर देते हैं। ठीक है जी, रेडी रेडी हैं करने के लिए ये सब कुछ पक्का? और इसको और सहज करने के लिए, इसको एकदम सरल करने के लिए, इसको हमारे जीवन का एक नेचुरल हिस्सा बनाने के लिए हम राजयोग मेडिटेशन सीखते हैं। कल से हमारे शहर में आपको सबको कार्ड मिला होगा, 2 सेंटर पर 1 हफ्ते के लिए इसी की और गहराई में, इसी को और अभ्यास करने के लिए और उसके और अलग अलग पहलुओं को लेते हुए राजयोग सीखने के लिए 1 हफ्ते के लिए 1 घंटे का योग शिविर रखा गया है। टाइम है सुबह 6:30 से 8 या शाम को 6:30 से 8। सबको कार्ड मिला? सबको कार्ड मिला है? हाँ, मुझे पता है। 6:30 से 8 सुबह या शाम को 6:30 से 8 सबको कार्ड मिला है? हाथ उठाओ, सबको कार्ड मिला है। संभाल के रखना, उसमें एड्रेस है, नंबर है, दोनों में से जो सेंटर आपको नज़दीक लगे 1 घंटा 1 हफ्ते के लिए ज़रूर निकालना। हम सब एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहाँ परिस्थितियाँ अचानक आ रही हैं, घर में अचानक बातें आ रही हैं। हर घर में एक शक्ति स्तंभ चाहिए जो अपने मन की स्थिति को पकड़ के रखे और पूरे परिवार को शक्ति दे। हमें अपने घर का शक्ति स्तंभ बनना है। रेडी है शक्ति स्तंभ बनने के लिए? अपने घर का, अपने घर का दिया बनना है, सबको शक्ति देना है। तो कौन कौन 1 हफ्ते के लिए 1 घंटा निकालने के लिए रेडी है? हाथ उठाओ। सबको करना चाहिए ये, कोई भी नहीं होना चाहिए जो नहीं करे। कोई शुल्क नहीं है, कुछ कहीं जाना नहीं है, बस नज़दीक सेंटर पर 1 घंटे के लिए जाना है। ठीक है? और फिर हम राजयोग सीखकर इसको अपना संस्कार बना लेंगे। और फिर कभी आपके शहर में प्रोग्राम हो कि खुशी कैसे मिले, तो हॉल खाली होना चाहिए। बोलोगे हम सारे खुश हैं, हम खुशी सीखने के लिए थोड़ी आएंगे किसी हॉल के अंदर। वो हमारा संस्कार है, वो हमारा स्वभाव है। चलो 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। कूलर को बंद कर दीजिए अब 1 मिनट के लिए। सीधा होकर बैठें। और फिर से अटेंशन को यहाँ लेकर आएं, ब्रिकुटी के बीच, और उस चमकते हुए सितारे को देखें। मैं शक्तिशाली आत्मा, मन में रिपीट करते जाना संकल्प। मैं शक्तिशाली आत्मा, सदा शांत और स्थिर। हमेशा खुश। परिस्थिति कैसी भी हो, मेरे लिए कल्याण है।
मेरे लिए कल्याण है। कोई मेरे बारे में कुछ भी कहे उनके लिए दुआएं, वो उनका संस्कार है। उनके प्रति दुआएं, एक सेकंड में क्षमा, एक क्षण में बात को खत्म, फुल स्टॉप। खुशी मेरा संस्कार है, बातें मेरे मन बुद्धि पर नहीं टिक सकती। हर रोज सुबह और रात को अपने संस्कारों के संकल्प को दोहराना, ये मेरा नया संस्कार है। धन बहुत कमाना, लेकिन दुआओं के साथ कमाना। सबको सुख देते हुए कमाना। अन्न सात्विक खाना, किसी को दर्द देकर अन्न नहीं, किसी की हिंसा का अन्न नहीं, ये मेरा कर्म हो नहीं सकता। मैं सदा खुश, शांत, निश्चिंत आत्मा हूँ। हर रोज दिन की शुरुआत परमात्मा के ज्ञान और राज्यों की विधि से, ईश्वरीय शक्तियों को अपने अंदर भर के, मैं आत्मा अपने परिवार का शक्ति स्तंभ हूँ। मेरे घर में कोई भी बात आ जाए, मैं अचल, स्थिर, मेरे से परिवार के हर सदस्य को शक्ति मिलती है। अपने घर को शक्ति देना, अपने परिवार को शक्तिशाली बनाना, ये मेरी जिम्मेवारी है। और उसके लिए कल से मैं आत्मा एक हफ्ते के लिए एक घंटा इसको और गहराई से सीखते हुए, इस विधि को अपने जीवन की और अपनों के जीवन की सिद्धि बनाती हूँ। मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ, सबको सुख देने वाला, सबको शक्ति देने वाला, घर को स्वर्ग बनाने वाला मैं फरिश्ता हूँ। मैं सत्यों की आत्मा हूँ। सृष्टि पर कलयुग है, लेकिन मैं आत्मा सत्यों की संस्कार, सबको देने वाले संस्कार, दुआएं देने वाले संस्कार, मैं सत्यों की आत्मा हूँ।
मन के मालिक, मेरे मन का रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है। सदा अचल, आत्मनिर्भर, परमात्मा की शक्तियां और दुआएं मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। परमात्मा का शुक्रिया, प्रकृति का शुक्रिया, मेरे कर्मों का शुक्रिया जो मुझे आज से नए संस्कार और भाग्य को परिवर्तन करने का ज्ञान मिला है। कल से एक हफ्ते के लिए मेरा एक घंटा मेरा अपने लिए है। अब हम यहाँ से जैसे जैसे बताया जाएगा वैसे उठेंगे, लेकिन हम घर तक मौन में चलेंगे आज। यहाँ से घर तक मौन में 10-15 मिनट में घर पहुँच जाएंगे, लेकिन मौन में चलने से जो कुछ भी हमने अभी मन बुद्धि में भरा है वो हमारा व्यक्तित्व बन जाएगा, गहराई से अंदर चला जाएगा। अगले 15 मिनट मौन में रहेंगे। सबसे पीछे की 5 लाइनें उठेंगी, गैलरी की 5